नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 मैथ का, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो जो सातवीं प्रश्नावली के महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आप इन प्रश्नों का अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो भी आप निश्चित तौर पर एग्जाम में आने वाले प्रश्न है वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताए गए हैं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको अच्छे से कवर कर पाए। तो आपने अभी तक इस प्रश्नावली में बहुत कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इन प्रश्नों का अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, निश्चित तौर पे आप इनमें से प्रश्नावली में से पूरे नंबर आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए हमारा देखते हैं प्रश्नावली सातवीं जो है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल आप उसी हिसाब से बात करने वाले हैं जो आपके ब्लू प्रिंट में दिए गए हैं, उसी हिसाब से देखो। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि इसमें से आएंगे अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न में जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा 1%, एक फिल इन ब्लैंक्स आएगा और साथ में ही 1% जो आएगा वो आएगा आपका अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, यानी जिसका आंसर आपको सॉल्व करके देना है। तो तीनों ही मैंने आपको यहां पर इसको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में लिख दिया है, तो आप इनमें से ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा तो वहां पर सॉल्व करके आप इसका भी आंसर बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला दिया है बिंदु -3, 5 कौन से चतुर्थांश में होगा, यानी इस तरह का प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव टाइप या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है कि जो आपको बिंदु दिया गया है ये कौन से चतुर्थांश में होगा, पहले दूसरे तीसरे या चौथे। तो ये जो बिंदु दिया हुआ है ये हमारे दूसरे चतुर्थांश में है, कौन से चतुर्थांश में है, दूसरे में। शॉर्ट में देखिएगा, जरा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, आपको जल्दी से बता देते हैं। आप देखना चाहे तो यहां पर इस तरह से बनता है, पहले चतुर्थांश में दोनों ही प्लस के, अगर पहला माइनस दूसरा प्लस है तो ये दूसरे में, अगर दोनों ही माइनस है तो तीसरे में, और पहला प्लस दूसरा माइनस है तो ये चौथे में। तो यहां पर आप देखिएगा पहली संख्या माइनस में दूसरी प्लस में है तो हमारा कौन सा चतुर्थांश है, कौन सा है, दूसरा चतुर्थांश। अगला प्रश्न है दिया हुआ दूसरा प्रश्न, निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करने का आपको क्या करना है, सिर्फ सूत्र लिखना है, दूरी सूत्र जो हमारा है वो आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है निर्देशांक 4, 3 में भुज और कोटि का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भुज का मान क्या होता है, कोटि का मान क्या होता है, भुज का मान यहां पर देखिएगा, दूरी सूत्र क्या होता है हमारा, दूरी सूत्र होता है PQ बराबर X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। अगला जो प्रश्न है निर्देशांक 4 और 3 में भुज और कोटि, भुज का मान कौन सा होता है, ये जो मान है x वाला ये हमारा होता है भुज का, और ये जो मान है y का वो हमारा होता है कोटि का मान। तो भुज का मान यहां पर 4, कोटि का मान कितना है, 3 है। अगला प्रश्न है बिंदु 4, 8 की x एक्स व y एक्स से दूरियां ज्ञात कीजिए। तो x एक्स से दूरी कौन सी होती है, जो y का मान होता है, x एक्स से दूरी कौन सी होती है, y का मान। तो x एक्स से दूरी कितनी है, 8, और y एक्स से दूरी कितनी है, 4। तो इस तरह का प्रश्न आपको दे सकता है, एक भी पूछ सकता है कि इसमें सिर्फ x एक्स की दूरी बताइए, तो x की दूरी बतानी होती है तो y का मान कितना है, अगर y एक्स से दूरी बतानी होती है तो x का मान कितना है वो आप बता देंगे। अगला प्रश्न है 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु हमारा क्या होता है, 0, 0। मूल बिंदु क्या होता है हमारा, 0, 0। इससे आपको दूरी ज्ञात करनी है, तो सीधा सा है, इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर का। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कर देना, कैसे करते हैं देखो, यहां पर मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है तो 3 माइनस 0, दूसरा बिंदु हमारा 0 है, इसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितने हो गए, 25 का कितना आ जाएगा, √5 कितना आ जाएगा, √5। तो इस तरीके से हम इसके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर इस तरह से दे सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर। चलिए हम इसका दूसरा भाग देखते हैं, इसके अंदर और है इसी तरह का बिंदु, एक और दिया हुआ है बिंदु एक्स वाई की हमें क्या करना है, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी। तो एक्स वाई का वही उसी तरह से सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर ऐसे निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके देखना है। अगला है एक्स एक्स पर स्थित बिंदु, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो वाई एक्स से 7 इकाई दूरी पर है। इस प्रश्न को अच्छी तरह देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। उस एक्स एक्स पर स्थित है, एक्स एक्स पर स्थित है मतलब एक्स का मान तो कितना होगा, 0, और वाई का मान कितना दे रखा है, 7। तो क्या बिंदु हो जाएगा, एक्स एक्स पर स्थित है, ध्यान दीजिएगा एक्स एक्स पर स्थित है, तो एक्स का मान होगा और वाई का मान क्या होगा, 0। एक्स एक्स पर वाई का मान क्या होता है, 0। तो निर्देशांक क्या बनेंगे, 7 और 0। इस बिंदु के निर्देशांक क्या बनेंगे, देखो एक्स एक्स पर है तो एक्स पर तो कहीं भी मान हो सकता है, वाई का मान क्या होता है, एक्स एक्स पर वाई का मान हमेशा 0 होता है।
अगला प्रश्न है, किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का। अगला है हमारा निर्देशांक ज्यामिति का विभाजन सूत्र लिखिए। विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये क्या होता है? हमारा विभाजन सूत्र। इसके बाद अगला है निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1 बटे 2, ध्यान से याद रखिएगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र निर्देशांक ज्यामिति में। तो इस तरह से हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको साथ में इसका आंसर है, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ये करने हैं। एक एक नंबर के ये प्रश्न आप अच्छी से कवर कर लीजिएगा। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट, जो तीन नंबर का इसमें से प्रश्न आने वाला है, एक प्रश्न जो आएगा तीन नंबर में अथवा में दो प्रश्न आएंगे, वो किस तरह से करने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न दे रखा है, x x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 माइनस 5 और माइनस 2 9 से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ वाला दूरी का सूत्र लगाना है। x x पर बिंदु होगा तो उसका मान क्या होगा? x और 0, x और 0 दोनों बिंदुओं की दूरी बराबर है तो बराबर दूरी रख के इसका मान निकाल लेंगे। अगला प्रश्न है, y x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p 2 माइनस 3 और q 10 माइनस y के बीच की दूरी आपको दे रखी है 10 मात्रक है। आपको क्या करना है? y का मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है, बीच की दूरी दे रखी। बहुत सिंपल सा सवाल है, यानी दूरी सूत्र से ही होगा। अगला है, y x पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु a 6 5 और b माइनस 4 3 से समदूरस्थ है। आपको y x पर देखो पहला क्वेश्चन है वैसा ही है, ये पर यहां पर y x होगा तो y x क्या होगा? 0 y बिंदु मानकर और दोनों बिंदुओं के समदूरस्थ का फॉर्मूला लगा देंगे दूरी सूत्र से। अगला सवाल है, यदि Q बराबर दे रखा है, एक बिंदु P बराबर दे रखा है और बिंदु 3 दे रखे हैं, ये क्या है? जो Q बिंदु है वो इससे और इससे समदूरस्थ है, तो हमें क्या करना है? X का मान ज्ञात करना है। ये जो बिंदु है वो R है, ये बिंदु कौन सा है यहां पर लिख लीजिएगा, R बिंदु है ये। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, पांचवा सवाल दे रखा है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु xy जो है बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ है। इस बिंदु से ये दोनों बिंदु बराबर दूरी पर हैं तो इसको समदूरस्थ वाला सूत्र लगा के, यानी दोनों में बराबर दूरी वाला सूत्र लगा के क्या करना है? इसमें संबंध ज्ञात करना है। अगला सवाल है, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु 1 माइनस 5 और बी माइनस 4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स एक्स को विभाजित करता है, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें क्या करना है? विभाजन सूत्र लगाना है। विभाजन सूत्र से पहले m1 m2 का मान ज्ञात करेंगे और m1 m2 के बाद में हम क्या करेंगे, जो बिंदु आएगा उससे हम क्या करेंगे, उसका बिंदु के निर्देशांक, x अक्ष पर वह बिंदु है उसके निर्देशांक भी ज्ञात कर लेंगे। अगला सवाल है, यदि a और b क्रमशः माइनस दो और दो चार दो माइनस चार हो, बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, a के निर्देशांक, b के निर्देशांक, p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ap बराबर 3 बटे 7 ab हो, तो p रेखाखंड ab पर स्थित है। p रेखाखंड ab पर स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इससे हम इसका अनुपात निकाल लेंगे। इस सवाल को देखना है तो आप 7.2 प्रश्नावली का जो हमने वीडियो कर बना रखा है उसके अंदर आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, सर्च कर सकते हैं ताकि वहां पर आप इसको अच्छे से समझ पाए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा। अगला आठवां सवाल है, दर्शाइए कि बिंदु 1 7 4 2 माइनस 1 और माइनस 4 1 वर्ग के शीर्ष है, वर्ग के शीर्ष है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा। पहले चारों भुजाएं बराबर आनी चाहिए, फिर दोनों विकर्ण बराबर आना चाहिए, तो 6 बार इसके अंदर सूत्र लगेगा, दूरी सूत्र, और हम इसका आंसर ज्ञात कर पाएंगे कि वो वर्ग है या नहीं। अगर चारों भुजाएं बराबर आ जाती है और दोनों विकर्ण बराबर आ जाते हैं तब तो ये वर्ग है, नहीं तो नहीं है। इस तरह का सवाल अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वर्ग की जगह आपको समांतर चतुर्भुज आयत कुछ भी पूछा जा सकता है, यानी एक आपको दे देगा चार निर्देशांक, इसको बताओ कौन से प्रकार का चतुर्भुज है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। अगला है, दर्शाइए कि बिंदु 1 5 2 3 और -2 11 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यहां पर भी आपको दूरी सूत्र लगाना है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं पहले उसके हमें बारे में पता होना चाहिए, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो हम यहां पर तीन बार सूत्र लगाएंगे, पहले इसमें इन दोनों बिंदुओं में, फिर इन दोनों बिंदुओं में, और तीसरा इन दोनों बिंदुओं में। अगर दो भुजाएं बराबर आ जाती है कोई भी दो,
तो हम कहेंगे ये समद्विबाहु त्रिभुज है, नहीं तो नहीं है, दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। इसके बाद हमारा अंतिम जो सवाल है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है, -4 -2 -3 -5 -3 और 2 -3। आपको इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं किस तरह से सॉल्व करना है इसको। यहां पर देखो हमने एक चतुर्भुज बना लिया है, हमने चारों बिंदु ले लिए क्रम से A B C D। सीधा हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते, तो हम किसी भी एक विकर्ण को खींच के इसके दो त्रिभुजों में बांट लो, एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया। अब दोनों में त्रिभुज का सूत्र लगा के दोनों का ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारे पास इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये सवाल करने हैं। तो ये थे आपके सातवीं प्रश्नावली के महत्वपूर्ण सवाल। इन सवालों को आप अच्छी तरह अध्ययन कर लीजिएगा, अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस है इन प्रश्नों के आने के। फिर भी अगर आपका टारगेट बहुत बड़ा है तो फिर सभी सवाल और सभी एग्जाम्पल आप सॉल्व करके जरूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।